बनाएगा और हैशटैग यूज करेगा डायमंड रिंग चैलेंज और जो टैग करेगा हैशटैग डायमंड रिंग चैलेंज और हम लोग को टैग करेगा जो फर्स्ट पे रहेगा फर्स्ट टेन विनर्स को लकी विनर्स को गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे और जो फर्स्ट विनर रहेगा उसको नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो में फीचर भी किया जाएगा और साथ ही साथ दुबई का एक ट्रिप भी मिलेगा फ्री वो कपल को. सो प्लीज आइए और जल्दी जल्दी टिकटॉक वीडियोस बनाइए हमारे गाने पे. एंड या थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. लव यू गाइस. मेरे लिए पहला सफर है एज अ सिंगर बट जब संजीव जी ने कहा एंड आई जस्ट गेव हिम द वोकल्स वो बहुत खुश हुए. उन्होंने कहा कि मुझे इसी तरह के वोकल्स चाहिए थे तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम टू गिव मी दिस ब्रेक. ऑल्सो बहुत सारी मूवीज़ में मैंने काम करके देखा हुआ है. पहली बार एज अ सिंगर जब पर्दे पे आ रही थी तो एक अलग खुशी महसूस हो रही थी. आप सभी लोगों का प्यार चाहिए और मैं इस टीम के हर एक मेंबर को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना एफर्ट डाला और स्क्रीन पर हमारे दो जो परफॉर्मेंस है आर्टिस्ट है इन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया हुआ है और इनका अपना टिकटॉक में एक अलग फेम और नेम रहा है. लेकिन अब इस पर्दे पे भी इन लोग करिश्मा दिखा रहे हैं और आप देखेंगे ये गाना मुझे जितना समझ में आ रहा है बहुत धूम मचाएगा. आई आई रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर दीज यंग किड्स दैट यू शुड जस्ट रॉक. यू आर रियली डूइंग सो गुड. गाना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था और जैसे अदनान अरिश्फा को रिंग दे रहे हैं कुछ जादू दिखा के तो मेरा भाई डायमंड रिंग जो जादू दिखा के ना दिखा दे तो हम लोग को पहले लगा कि इसकी शादी हो रही लगता है. हम लोग ने पीछे आने टाइम इस तरह इमेजिन कर लिया कि हम लोग वेडिंग में आए हैं ऐसा मतलब स्नैप बनाया इसका प्रैंक कर लेते हैं टाइप मेरा भाई
डायमंड रिंग दूल्हा दिख रहा है सच्ची में, तो इमेजिन कर लिया अभी ये दूल्हा नहीं बनेगा। बहुत बहुत एक्साइटिंग वेंचर है, बहुत मेहनत बहुत सोच के ये प्लान की गई थी। जैसे मैंने पहले बताया कि इतना टैलेंट है इस कंट्री में, इतना टैलेंट, और उसको कभी कभी प्लेटफॉर्म एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि कंटेंट बेस्ड म्यूज़िक वीडियोस कंटेंट प्रेजेंट किया जाए एक एक क्रिएटिव तरीके से। बहुत बार अच्छा कंटेंट होता है बट उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हम खुद नर्वस थे बिकॉज हमारा पहला वेंचर था, बट आई थिंक जो रिस्पांस मिला है, आई थिंक हार्डली 6-7 घंटे नहीं हुए रिलीज होके, जो रिस्पांस मिला है उस खिलाड़ी की तरह फीलिंग आ रही है जिसका डेब्यू मैच होता है और पहले गेम में वो अच्छा स्टार्ट कर जाता है। तो गाइस हम लोग के पास शादी की सिचुएशन थी तो हमें एक क्यूट लव स्टोरी बनाना था, दैट वाज द सिचुएशन गिवन टू अस, तो दैट्स हाउ ये आइडिया आया। और हमें लगा द बेस्ट प्लेयर जो हमको लगा अदनान अरिश्फा, दे आर द क्यूटेस्ट कपल इन टाउन, तो पहली बार उनको हम लोगों ने पेयर किया है साथ में एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। जो आज की जनरेशन बड़ा टॉकेटिव लहजा यूज़ करती है, हमने उसको दिमाग में रख के बनाया कि तेरे डैडी दा टशन साढ़े नाल, तेरी मम्मी मैनू कहंदी कंगाल, ये लगभग हर यूथ की कहानी होती है और वो इस तरह से एक्चुअली उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। मतलब मोहब्बत की रास्ते इतने आसान नहीं होते हैं, बड़े टफ होते हैं थोड़े, तो हमको लगा कि इसको एक मतलब एक मज़ेदार तरीके से बनाया जाए, इसमें ज़्यादा नफरत नफरत ना हो, प्यार भी बना रहे एंड जैसे सगाई शुरुआत में प्यार में एक डायमंड रिंग की जरूरत होती है, वो हमने अपनी हुक लाइन रख दी। सबसे पहले वी विश संजीव चतुर्वेदी एंड अजय बोथ ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस लवली सॉन्ग डायमंड रिंग। क्या चाहिए और लाइफ में बॉस? संजीव भैया ने बहुत अच्छी चीज़ कही कि अगर अजय जी डायमंड है तो संजीव जी रिंग है, और अगर संजीव जी डायमंड है तो अजय जी रिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है सोलो का, ग्रुप सॉन्ग कर रहा हूँ इससे पहले थोड़ा सा मेरे भाई के उसमें मैं थोड़ा सा आया था धर्म में, तो ये मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो और इतना अच्छा रिस्पांस देख के कमेंट जब पढ़ने बैठ रहे तो बस ऐसे कर रहे हैं, बस स्क्रॉल करके कमेंट पढ़ते ही रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। और वाइट बिलियन रिकॉर्ड के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टीम वर्क किए सब एक दूसरे से कॉपरेट किए, और सबका जितना हम लोग का इनपुट है उतना बाकी पूरी टीम का भी इनपुट है, बाकी पूरी टीम अगर नहीं इतना हार्ड वर्क करती तो शायद इतना अच्छा गाना उठ के नहीं आता।